इस सब के बाद मैं अल्तमश के साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगी? कैसे रहेगी हम दोनों की शादी? कैसे बसूंगी मैं उस घर में? तो ना जवाब। इन सारे सवालों का जवाब तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए था इसका, जब तुम अल्तमश और रुतबा के दरमियान आई थी। ये तमाचे संभाल के रखो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। अपनी दुल्हन बनी बहन पर हाथ उठाना तुम्हें जेब नहीं देता। रुतबा बेटा, कुछ गलत सहमी हो गई है। अरफा ने अपनी बेवकूफी में पता नहीं क्या क्या कह दिया तुमको। ऐसी कोई भी बात नहीं, इसकी किसी बात का इतबार नहीं करना। आप बेफिक्र रहे बबू, अब मैं किसी का इतबार नहीं करती। मैं दरअसल तुम्हें लेने आई थी। पुपो, मैं आरफा को अपनी गाड़ी में हॉल लेकर जा रही हूँ। आप और अस्का आरफा का जरूरी सामान लेकर वहीं आ जाइएगा। हाँ, तुम लोग चलो, हम आते हैं। ओ हाँ, अल्तमश से मेरी बात हो गई थी। मैंने उसे बता दिया था कि मैं और आरफा हॉल चले जाएंगे, वो भी डायरेक्ट वहीं आ जाएगा, तो तुम उसका इंतजार मत करना। इसने क्या कहा? इसके दिल में क्या है? ये अल्तमश को छीन लेगी मुझसे, मैं आपको बता रही हूँ, उसे छीन लेना है। अस्का, जाके तैयार हो, मेरे साथ हम चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। क्या हो जाता है तुमको? होश में आओ तुम। अस्का, मेरी बात बहुत सच, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अल्तमश कोई घी नहीं है, किसी भी उंगली से नहीं निकला तो तुम उंगली टेढ़ी कर लोगी। अंगारा है, एहतियात ना की ना तो हाथ भी जला लोगी और घरस्ती भी। जिसे मैं कहती हूँ ना वो करो। चलो जाके तैयार हो, जाओ।